हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या गुड़ चीनी से बेहतर है या चीनी गुड़ से बेहतर है? ये टॉपिक बहुत ज्यादा चल रहा है। गुड़ की चाह या गुड़ का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या है? अपन रिसर्च बेस्ड स्टडी करेंगे। आप और मैं मिलके जानेंगे कि गुड़ बेहतर है या चीनी बेहतर है। इस टॉपिक के अंदर मैंने साइंस डायरेक्टरी, जनरल और फूड एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च गेटवे, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के जो रिसर्च पेपर, क्लिनिकल ट्रायल, रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स जो है या स्टडीज जो है, इसको इंक्लूड किया हूं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना। चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ रीजंस है जिसके वजह से लोग जो है वो शुगर को अवॉइड कर रहे हैं, व्हाइट फूड को अवॉइड कर रहे हैं। उसके अंदर बेसिक रीजंस जो है वो है वेट गेन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होना, हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ना, इम्यूनिटी कम होना, लिवर लिथार्जी रहना, एजिंग फैक्टर बढ़ना और दांतों की समस्या होना। ये कुछ बेसिक रीजन है जिसके वजह से डॉक्टर्स और हर कोई अब बोलता है कि शुगर को अवॉइड करो, शुगर कम खाओ या शुगर बंद कर दो। तो अब ये सवाल आने के बाद में लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, चाय बंद करके मैं गुड़ की चाय पी सकता हूं क्या, या फिर गुड़ का इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? इसके बारे में अपन देखेंगे गुड़ के प्रकार, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या है, शुगर और जैगरी का जो है, शुगर और गुड़ का जो है वो डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, और ये सब स्टडीज देखने के बाद में अपन क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब जैगरी जो है, जैगरी यानी गुड़, गुड़ जो है वो खजूर से बनाया जाता है, प्लमे प्लांट से बनाया जाता है, कोकोनट का गुड़ होता है यानी कि नारियल का गुड़ होता है, और बेसिकली जो इंडिया में प्रचलित है वो है गन्ने का गुड़ यानी शुगर केन का गुड़। इसके लिए अपन इंडिया के अंदर रहते हुए अपन ये टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं कि शुगर केन और शुगर यानी कि गुड़ और शक्कर का कंपैरिजन करेंगे अपन। अब जैगरी जो है, गुड़ जो है, ये ब्लड प्यूरिफाई करता है, मैग्नीशियम होने की वजह से खून अच्छे से बढ़ाता है, मिनरल से भरपूर है, एजिंग फैक्टर अच्छा करता है, डाइजेशन में मदद करता है, वाटर रिटेंशन जिसम में का कम करता है, एनल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी हिपेटोटॉक्सिक है, डायुरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, और बहुत सारे फिनोलिक कंपाउंड्स इसके अंदर है। ये साइंस डायरेक्टरी का एक रिसर्च है जिसके अंदर साबित हो चुका है। जनरल में भी यही बताया गया है कि बाबा इसके अंदर जो है ये डाइजेशन एड करता है, लिवर और ब्लड के लिए अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीज करता है, स्ट्रेस फैक्टर अच्छे मिनिमलाइज करता है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाए जाते हैं। एक अगर अपन शुगर और जैगरी का कंपैरिजन अगर करते हैं तो उसके अंदर, जैगरी के अंदर बहुत सारे विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ई, आयरन, प्रोटीन, विटामिन सी, फाइबर्स, फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, मगर शुगर के अंदर देखा जाए तो सिर्फ कार्ब्स और कार्ब्स होते हैं, सिर्फ कैलोरीज होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो इस अगर टॉपिक पे अगर सोचा जाए तो गुड़ जो है वो शुगर से कहीं ना कहीं बेहतर है। ये इसके साथों साथ कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज और डाइजेशन में हेल्प करने वाले प्रॉपर्टीज, एंटी एजिंग में हेल्प करने वाले प्रॉपर्टीज होते हैं जैगरी के अंदर, शुगर के अंदर ये कुछ नहीं पाया जाता। दूसरी बात, जैगरी के अंदर जो है, जो कार्ब्स जो होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसके वजह से शकर अगर खाते हैं आप तो एक सडन स्पाइक आपको मिलता है, एक सडनली ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्पाइक करता है, वो जाके इंसुलिन ट्रिगर करता है, और उसके बाद में आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और आपका ओबेसिटी बढ़ती है। मगर जैगरी में जो है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से, साथ में उसके अंदर मिनरल्स वगैरह होने की वजह से वो स्लोली डिजोल्व होता है, स्लोली ऑब्जर्व होता है बॉडी के अंदर से, जिसके वजह से एक सडन स्पाइक नहीं मिलती है। मगर ये सडन स्पाइक नहीं होना, ये भी क्या जिस्म के लिए इंपॉर्टेंट है या इसका कुछ बेनिफिट है उसके बारे में देखते हैं अपन। कैलोरीज के बारे में बात किया जाए तो जैगरी के अंदर 383 कैलोरीज होते हैं और शुगर के उतने ही 100 ग्राम्स के अंदर 387 कैलोरीज होते हैं। मतलब दोनों के अंदर अगर स्टडी किया जाए तो दोनों के अंदर कैलोरीज जो है वो कम नहीं है, मतलब शुगर आपके बॉडी के अंदर उतनी ही मिल रही है। दूसरी बात ऐसी है कि जैगरी जो है, जैगरी ये कम स्वीट होता है, मतलब इस जैगरी के अंदर कंपोनेंट्स होने की वजह से और विटामिन्स और मैग्नीशियम जैसे मेटल्स होने की वजह से वो उसका जो मीठापन है वो कम होता है।
मतलब जहां एक चम्मच शक्कर के अंदर एक चाय बन सकती है, तो आपको कम से कम डेढ़ से दो यानी कि डबल द अमाउंट ऑफ शुगर आपको डालना पड़ेगा उतना मिठास करने के लिए। इसका इनडायरेक्टली मतलब यह हो रहा है कि अगर आप गुड़ की चाय पी रही है तो डबल द अमाउंट ऑफ कैलोरीज जा रहे हैं आपके बॉडी के अंदर, डबल द अमाउंट ऑफ शुगर जा रही है आपके अंदर। वो चलो ठीक है, अपन कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जा रही है, वो स्लोली डिजोल्व होंगी, स्लोली एसिमुलेट होंगी, मगर जहां 380 कैलोरीज थी, 387 कैलोरीज आपको जाना चाहिए था, उसका डबल अमाउंट जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर कैलोरीज कंटेंट जो है डेली नीड के ऊपर ज्यादा जा रहा है। तो सच में अपन कैलोरीज कम कर रहे हैं क्या? ठीक है, अगर आपको टेस्ट के लिए शुगर को जैगरी के साथ में अगर रिप्लेस करना है तो आपको डबल द अमाउंट ऑफ जैगरी लेना पड़ेगा। एक चम्मच अगर शुगर ले रहे हैं तो दो चम्मच आपको जैगरी लेना पड़ेगा, मतलब डबल द अमाउंट ऑफ कैलोरीज जा रहे हैं। हाँ, टेस्ट के तौर पे अगर आप ले रहे हैं या आप नॉर्मल फिटनेस फ्रीक नहीं है, आप अगर जैगरी की या गुड़ की चाय पी रहे हैं तो वो ठीक है, मगर आपके दिल में अगर गलत फहमी है कि अगर जैगरी लेने से मेरा शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा, मेरा वेट लॉस होगा या वेट गेन नहीं होगा, तो ये आपकी बहुत गलत फहमी है। इनफैक्ट आप डबल कैलोरीज ले रहे हैं, मतलब डबल स्पीड से आपका वेट बढ़ेगा। न्यूट्रिशनल वैल्यूज गुड़ के अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज काफी ज्यादा है, विटामिन है, मिनरल्स है, सब चीजें, फिनोलिक कंपाउंड है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, ये बातें सब ठीक है, मगर विटामिन कितना मिल रहा है? जैसे कि आप अपन अगर अपन देखते हैं तो विटामिन की जो अमाउंट है ये डेली रिकमेंडेड डोसेस से बहुत कम है, मतलब इतना बेनिफिट आपको नहीं हो रहा है। आप डबल शुगर ले शुगर के जगह पे डबल जैगरी ले रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं मगर डेली रिकमेंड डोसेज से बहुत कम मिल रहे हैं। उतने विटामिन अगर आप नहीं भी ले रहे हैं तो चलेगा, आप दूसरे सोर्सेस से विटामिन आपके बॉडी में मिलते हैं। अगर कंक्लूजन ये है कि आप अगर गुड़ को रिप्लेस करना चाहे शक्कर को रिप्लेस करना चाह रहे हैं गुड़ से, तो ये बहुत गलत होगा। अगर आप बीएसएल लेवल अगर आपका बढ़ रहा है या वेट गेन हो रहा है उसके अंदर जैगरी को रिप्लेस ना किया जाए, यही बेहतर होगा। ये कंक्लूजन है। कोई भी टॉपिक जो है एक 10 मिनट में कंप्लीट नहीं होता है। रिसर्च पेपर्स जो है मैं लिंक में दे दूंगा, और ऐसे टिप्स के लिए और ऐसे चीजों के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।